राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर सदर तहसील में झंडारोहण किया गया। इसके साथ ही सदर तहसील सभागार में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट SDM सदर कुलदीप मीणा एवं तहसीलदार सदर विकास कुमार सिंह ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा सर्वजन सभा कर उनके विचारों को आदान प्रदान किया। जिसके संबंध में तहसीलदार सदर विकास कुमार सिंह ने बताया कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर तहसील के प्रांगण में झंडारोहण किया गया। उसके बाद गांधी जी के विचारों पर चर्चा की गई और लोगों को जागरूक भी किया गया कि महान विभूतियों के द्वारा जो भी विचार दिए गए हैं उनके अपने जीवन में उतारें। उन्होंने कहा कि आज गांधी जी नहीं हैं लेकिन गांधीवाद के रूप में उनकी विचारधारा जीवंत है और इस विचारधारा को हमें अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करना चाहिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए तहसीलदार सदर विकास कुमार सिंह ने कहा, आज जैसा कि आप जानते हैं कि आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती थी। इस अवसर पर तहसील प्रांगण में 9 बजे शासन के द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में झंडारोहण का कार्यक्रम किया गया। उसके बाद इनके विचारों पर तहसील मीटिंग हॉल में चर्चा की गई और लोगों को इसके बारे में बताया गया कि इन महान विभूतियों के द्वारा जो भी विचार दिए गए हैं उनको अपने जीवन में उतारें और उनके अनुरूप अपने जीवन को सुखमय बनाएं, इनके विचारों को आत्मसात करें। इन्हीं बारों में चर्चा किया गया। क्या कहना है, यही है कि आज गांधी जी तो नहीं हैं लेकिन आज गांधीवाद के रूप में उनकी विचारधारा जीवंत है और इस विचारधारा को हमें अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए और उनके बताए हुए रास्तों पर चलने का प्रयास करना चाहिए।